फॉर आज हमारा मैप है सेनोक आफ्टरनून कस्टम में। 19 टीम्स, 62 प्लेयर्स हैं हमारे पास आज। टीम सोस, टीम H4K, टीम सेवन, वेनम ASR, DND, TW, डार्क, L4G की दो टीम्स हमारी, टीम स्टॉर्म, डार्क एसेसिन की टीम, टीम BB, ओगी सोलो हैं, CR7, जॉन एंड फोनेक्स। काफ़ी टीम्स ने ड्रॉप ले लिए हैं, जैसे कि टीम नंबर 24 हमारी टीम RDX हैप्पी फ्लैश सेम मर्चेंट एंड CR7 हर्षु जा रहे हैं कैंपोंग की ओर। L4G की फर्स्ट टीम ने ड्रॉप लिया है लकावी एंड सेकंड टीम L4G की जा रही है भान की ओर। बूट कैंप में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलेगा, बूट कैंप में गई है टीम H4K और उन्हीं के साथ आई है टीम सोस, टीम वैनम एंड टीम DND तुक्सल हाइपर जाट तीनों प्लेयर्स उनके। हॉट ड्रॉप हुआ है पूरा H4K वैम्पायर, टीम H4K एंड टीम वैनम एक साथ जंप लिए हैं। इधर वैनम के साथ ने H4K के ईविल को पिक ऑफ कर लिया है, H4K के वैम्पायर को गन जरूर मिली है बट वो फीस से नोक होते हुए, वैनम के फैजान उनको नोक करते हुए फीस से H4K के वैम्पायर को थोड़ा ख़राब हुआ उनके लिए। H4K के फैजान को नोकआउट जरूर करा था बट इधर आता हुआ टीम H4K का प्लेयर इंडियन गोरखा के पास गन है, सोलो सर्वाइवल एक किल लेता हुआ टीम वैनम के, उनके तीनों प्लेयर्स फिनिश हो चुके हैं। टीम वैनम ने 3 मैन का डेल लाए हुए, वैनम के सैज ही फिनिश अप करते हुए इंडियन गोरखा को टीम H4K यहाँ पे फिनिश अप होते हुए। हॉट ड्रॉप में 4 किल्स होते हुए टीम वैनम के एक, उन्होंने अपना प्लेयर दो प्लेयर्स खो दी, 3 मैन स्क्वाड खेल रहा था तो एक प्लेयर खो चुका है उनका वैनम का फैजान। L4G के निंजा ASR के तुकमैन को नॉकआउट करते हुए, ASR का एक प्लेयर नॉकआउट करा है इधर L4G के प्लेयर ने। यहाँ अगेन DND JB बोल भी ओपी को फिनिश अप करते हुए जो सोलो गए थे हमारा बूट कैप में। अब टीम DND वर्सेस टीम वैनम देखने को मिलेगा, 2v3 फाइट उधर देखने को मिलेगी हमें जल्दी। इधर कैंप के अदर कैंप ब्रावो की ओर आई है टीम L4G एंड टीम ASR, टीम BB एंड ओगी सोलो है। इधर ASR का एक प्लेयर नॉकआउट हुआ था थोकमैन बट रिवाइव हो चुका है, हीलअप अभी नहीं हुआ है वो, पीछे होंगे रेक्स नीरज वो भी स्पोर्ट हो सकते हैं। L4G के पिकाचू ASR के निंजा को नॉकआउट करते हुए इस बार टीम L4G का रश देखने को मिल सकता है हमें टीम ASR के ऊपर। ASR के थोकमैन के पास हील नहीं है तो वो 1 HP बचे हुए हैं। ASR के स्ट्रेंज को भी स्पोर्ट करते हुए L4G के पिकाचू स्पोर्ट करते हुए स्प्रे दिया है बट ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ, उनके रेड ओड या वो कुछ नहीं था इस वजह से डैमेज नहीं पड़ा ASR के स्ट्रेंज को। निंजा अभी भी नॉकआउट पड़े हुए हैं, स्ट्रेंज ने स्पोर्ट जरूर किया था पिकाचू को, पिकाचू का जम लेते हुए ASR के स्काई वॉकर होते हुए स्पोर्ट, पिकाचू नॉक करते हुए स्काई वॉकर को भी 1v1 टू प्लेयर्स नॉकआउट कर चुके हैं L4G के पिकाचू। थोकमैन जो है रिवाइव दे रहे हैं निंजा को, जो थोकमैन खुद ही 1 HP हाफ HP बचे हुए हैं, सॉरी लो HP हैं, वो भी उनके पास हील नहीं है। ASR के स्ट्रेंज बचे हुए हैं फिलहाल, निंजा रिवाइव जरूर हुए हैं, हिलअप वो भी नहीं हुए हैं, दो बंदे लो HP हैं उनके। L4G के निंजा ASR के स्ट्रेंज को पिक ऑफ करते हुए ओपी गेम प्ले दिखाता हुआ है L4G का पिकाचू। इधर अभी कोई गलत समय नहीं हुआ है, L4G के निंजा जाता हुआ जो ASR के निंजा को पिक ऑफ फिनिश अप करता हुआ, सैक ने निकाला था नीचे वाला किल, L4G के सैक को मिलता हुआ 1 किल, 2 पिकाचू को और 1 निंजा को, 4 किल्स होते हुए टीम L4G के। टीम BB जुड़े हुए कमांड लूटने के लिए पीछे की ओर निकल चुकी है, टीम वैनम से फाइट लेती हुई टीम हमारी DND JBN टुक्साइल अकेले बचे हुए उनकी टीम के लिए जो फिनिश अप अभी तक नहीं हुए, टुक्साइल फाइट ले रहे हैं। टीम सोस से फाइट हुई है उनकी, टीम सोस ने टीम DND फिनिश कर दी है, इधर 3 किल्स निकाले सोस का, 3 मैन स्क्वाड ही खेल रहा था सोस के, एग्री जरूर नॉक हुए थे रिवाइव हो रहे हैं, एग्री ने 2 किल निकाले और अतीफ ने 1, सोस के दोनों आज मैच मिस किया है, सोस के पर्थ खेल रहे हैं हिलअप हो रहे हैं, सोस के पर्थ भी वैनम के साथ और सैजी बचे हुए हैं, 2 मैन स्क्वाड 2v3 फाइट हो रही है। ओगी ने डार्क एसेसिन को पिक ऑफ कर लिया है, ओगी सोलो खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, ओगी ने डार्क एसेसिन को फिनिश भी कर दिया, डार्क एसेसिन जो अपनी टीम से दूर थे। L4G के प्लेयर्स बचे हुए उनके ओगी के काफ़ी करीब होंगे वो, टीम BB भी इनके करीब है। टीम डार्क ने मंगाया है एयर ड्रॉप नंबर 2 जो कि फ्लेयर ड्रॉप आया है टीम डार्क के प्लेयर्स के पास। इसमें एरर फबिया ने कोई गन नहीं, जी हाँ MK14 पिक की है, विनोद गरिया ने ओम पिक की है एयर ड्रॉप नंबर 2 में से। एयर ड्रॉप नंबर 3 फ्लेयर ड्रॉप मंगाया टीम नंबर 19 ने, इधर टीम स्टॉर्म ने मंगाया फ्लेयर ड्रॉप, ओक संस्कार ने पिक की है ओग एंड ओम। L4G के एंड्रयू सेकंड प्लेयर, सेकंड टीम ऑफ L4G पिक ऑफ करते हुए एक प्लेयर उधर, टीम डार्क राइडर से फाइट होती है इनकी, जी हाँ L4G सोलो डार्क राइडर को भी फिनिश अप करते हुए
तीन किल्स निकालते हुए सेकंड एल4जी की टीम, 16 ओपी को मिला एक और एंड्रियो को मिले दो, जो फ्लेडो मंगाया था टीम डार्क ने इधर, वो लूट कर लेगी टीम एल4जी के प्लेयर्स। तीन किल्स हुए सेकंड एल4जी की टीम के पास। क्या टीम फूनेक्स और टीम सेवन के बीच एक फाइट देखने को मिलेगी? उधर टीम सेवन छोटे छोटे कंपाउंड्स लूट रही है हमारी फाइट अभी नहीं लिया। टीम बीबी खान होगी को फिनिश अप करते हुए जो सोलो थे बीबी खान। उधर टीम एल4जी वर्सेस टीम बीबी हो सकता है। टीम नंबर 15 हमारी डार्क सोलो लूट कर रही है। टीम नंबर 24 भी कैंपोंग में सोलो लूट कर रही है। टीम वैनम की फाइट हो रही है। टीम सोस से 2v3 फाइट है। सोस का एक प्लेयर सोस का पर जरूर नोक किया था वैनम के प्लेयर्स ने रश करते हुए। वैनम के सैजी और साथ नेट को किया है। अतीफ का एक अच्छा नेट वैनम के सैजी को नॉकआउट करता हुआ। अतीफ के लिए रश के लिए नहीं आए हैं ये, उनका प्लेयर नॉकआउट था, इसका थोड़ा फायदा हुआ है वैनम के प्लेयर्स को। वैनम के सैजी रिवाइव हो रहे हैं, इजली वो रिवाइव हो जाए बट हील अप करने का मौका नहीं देगी टीम सोस। अतीफ आते हुए लैब से पूरा वैनम के साथ दे रहे थे रिवाइव। उधर वैनम के सैजी जरूर रिवाइव हो चुके थे बट एग्री को ही नॉक कर पाए इस वैनम के साथ और फिनिश अप करते हुए अतीफ उनको अतीफ को मिलते हुए तीन किल्स, दोनों किल्स यहाँ पर टीम वैनम के। एग्री रिवाइव हो रहे हैं टीम सोस 3-man squad 5 किल्स के साथ आगे बढ़ेगी। टीम बेबी वर्सेस टीम एल4जी हो तो एल4जी के पिकाचू और ड्रैको को नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हुए एल4जी के पिकाचू जो भी गेम प्ले दिखाता हुआ प्लेयर रेस्ट के नीरस को स्कोर कर लिया। एल4जी के पिकाचू नॉकआउट करते हुए अनवाजन मिल गए और बिना बेबी खान को बढ़ लिया। एल4जी पिकाचू उसको भी नॉकआउट करते हुए एक प्लेयर बचा है उनका फिनिश ऑफ होते हुए सारी की सारी टीम्स। एल4जी के पिकाचू को 4 किल होते हुए एल4जी के एक प्लेयर स्कल्स जरूर नोक पड़ा हुआ है वो रिवाइव हो जाएगा इजली। सेक के 2 और निंजा के 2 8 किल्स होते हुए टीम एल4जी के। 11 टीम में 38 प्लेयर्स मौजूद हमारे। 8 ड्रॉप नंबर 4 नॉर्मल ड्रॉप आता हुआ हमारा रुइंस के पास में ओम विद 8 एक्स एंड लेवल 3 किट के साथ आई है। क्या टीम TW इसको पिक करेगी? अभी टीम TW पाइनन में है, पाइनन के कंपाउंड लूट के पाइनन के ही मौजूद है। टीम तुर्की खाओ लूट कर हमारी छोटी छोटी कंपाउंड लूट कर टीम तुर्की के अनस और फैप 2-man squad है। खाओ लूट कर वो जल्दी ही जोन में रोटेशन डालेगा। टीम सेवन वर्सेस फोनेक्स देखने को मिल सकता है 18 में हमें। यहाँ टीम सेवन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, टीम फोनेक्स उधर लूट करने के लिए गई है तो टीम सेवन वर्सेस फोनेक्स हमें जल्दी देखने को मिलेगा। टीम सेवन भी उन्हीं कंपाउंड कॉर्नर वाले कंपाउंड्स में होल्ड कर रखी है, इन द जोन है दोनों ही टीम्स। टीम फोनेक्स अंदर कंपाउंड्स में लूट कर रही है, शायद उन्हें टीम सेवन की कोई आने वाने की खबर नहीं है। 4v4 फाइट होगी टीम सेवन से, ये 3v4 फाइट होगी सॉरी, टीम सेवन के 3-man squad ही खेल रहा है। टीम सेवन को भी मालूम नहीं है वहाँ पर कोई टीम भी मौजूद है उधर, दोनों टीमें एक दूसरे से बेखबर हैं। जोन बनता हुआ हमारा जोन नंबर सेकेंड बनता हुआ टीम नंबर 24, 15, 18 एंड 2 और फोनेक्स भी थोड़ा जोन से बाहर है और टीम नंबर 19 स्टॉर्म भी जोन से बाहर है। टीम 7 वहां से फॉल बैक करती है अपनी टीम के साथ। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया टीम फोनेक्स को, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, वो फॉल बैक करती है जोन के लिए निकलते हुए टीम 7 व्हीकल लेके। कोई भी टीम की फाइट नहीं होने वाली अभी थोड़ी देर तक। अब जोन में रोटेशन डालेंगी टीम एल4जी एंड टीम मर्चेंट और टीम नंबर 15 डार्क के प्लेयर्स और टीम तुर्की या टीम 19 हमारे स्टॉर्म। तब रोटेशन के बाद अगर कोई ड्रॉप चेंज करते हैं अपने मेन मतलब कंपाउंड चेंज करते हैं तब फाइट देखने को मिलेगी हमें। सेवन के एजी अफान और कार्टस एक कंपाउंड्स में होल्ड कर लिया है उन्होंने, पीछे से हैटिन की ओर से आए हैं वो। यह टीम डार्क के प्लेयर्स जाते हुए एयर की फविया उनके साथ खेल रही है, विनोद गरिया डार्क की विल डार्क लाइट तीनों प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे हैं। धीरे धीरे करके वो पहुंच चुके हैं हमारे बूट कैंप के पास। बूट कैंप में ऑलरेडी मौजूद टीम सोस बैठी हुई है। टीम सोस की गोदी में गिरता हुआ टीम TW के पास गिरता हुआ पाइनन में गिरता हुआ एक एयर ड्रॉप नंबर 5 हमारा MK14 देते हुए लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड बैग एक अच्छा एयर ड्रॉप। टीम TW के प्लेयर्स इसे पिक करने के लिए आ रहे हैं। TW के प्लेयर टीम डार्क जल्दी ही फाइट देखने को मिलेगी। टीम डार्क से जो कि पहुंच चुकी है बूट कैंप, बूट कैंप में ऑलरेडी टीम सोस 3-man squad लाइव 4v3 फाइट होने वाली है टीम डार्क वर्सेस टीम सोस। जी हाँ, बाकी सारी टीम्स ने जोन में कवर कर लिया है जोन। जोन नंबर 3 में जल्दी देखने को मिलेगा, 1 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा, 2-3 सेकंड के बाद जोन स्टार्ट हो गया है हमारा। 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे गेम को। पैराडोस रिसोर्ट में कोई भी टीम ड्रॉप नहीं ली थी। टीम सोस के अतीफन पर एक साथ लूट कर स्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स को सॉरी। यह सोस के एग्री हैं अपनी दूसरी साइड में।
सो उसके ऊपर स्पोर्ट करने की कोशिश करते हुए अतीब भी कोशिश करते हुए स्पोर्ट करने की। L4G वैसे L4G देखने को मिल सकता है, दो एक L4G की टीम आ रही है बान की ओर से, ऑलरेडी उनके सामने एक और सेकेंड L4G की टीम होगी, अभी तो थोड़ी दूर है उनसे, 100-200 मीटर 300 मीटर दूर होगी ये टीम। टीम L4G वैसे L4G देखने को मिल सकता है हमें जल्दी। टीम डार्क वैसी सोस भी देखने को मिल सकता है। टीम कटबामा रोन विस्ली डो मैन स्क्वाड टीम मर्चेंट के पास है, काफ़ी करीब है उनके। जी हाँ, क्या यहाँ से मर्चेंट उन्हें स्पोर्ट कर पाएंगे किसी प्लेयर्स को? आई थिंक कर लिया है किसी प्लेयर ने उन्हें स्पोर्ट, सियाजिन अरसू वगैरह ने। जी नहीं, उन्होंने कोई स्पोर्ट नहीं किया है। जोन की ओर जाते हुए वो टीम डार्क थोड़ा करीब करती हुई, टीम सोच के करीब आती हुई टीम डार्क, इधर ही टीम L4G की सोरो ओपी की टीम भी आ चुकी है बूट कैंप की दूसरी जानी, पीछे सेकंड L4G की टीम अभी मौजूद है। जी हाँ, डार्क के प्लेयर्स स्प्रे देते हुए विनोद करिएगा, ओम का शॉट पड़ता हुआ एग्री को, ओपी स्नाइपर चलाते हुए विनोद गरिया, ओम भी 3x चलाते हुए एक अच्छा शॉट दिया है उधर टीम सोस के एग्री को। सोस के पर्थ लेफ्ट की ओर बैठे हुए फ्लैंग ऑलरेडी कर लेता है, एरल फबिया आई उनकी ओर से, अगर उन्हें एरल फबिया को वो अपने फुटप्रिंट ना दे तो यहाँ पर नोक कर सकते हैं। एक नेट कुक जरूर किया है एरल की फबिया को, क्या इसका डैमेज पड़ेगा? थोड़ा नेट लेफ्ट जाता तो शायद इसका डैमेज पड़ सकता, नोक हो सकती थी, वो डैमेज तो जरूर पड़ा है। हाफ एच पी छोड़ा है एरल की फबिया को उधर, सोस के पर्थ पीछे से L4G की टीम आ रही है, डार्क की लाइट को नॉक कर सकते हैं सोस के पर्थ। यहाँ डार्क की लाइट बैठे हुए थे एक अच्छे टीपी के लिए खड़े हुए थे, बट वहाँ पे सोस के पर्थ ने मौका खो दिया है नॉक करने का। हाफ एच 10 HP जरूर छोड़ा है उन्हें, बट नॉक नहीं कर पाए उधर डार्क की एरर की फबिया, थोड़ा फ्लैंक करती हूँ वो भी विनोद गरिया, ऑलरेडी होम लेके वहाँ बैठे हुए हैं पीछे की ओर डार्क की ईविल एंड लाइट, लाइट करते हुए हील अप अपने आप को बैंडेज लपेटते हुए सोर्स 3 मैन स्क्वाड के साथ लाइव है। पूरा जोन शिफ्ट होता हुआ बूट कैंप के अंदर, अनदर बूट कैंप के अंदर एयर ड्रॉप नंबर 5 भी हमारा बूट कैंप में गिरता हुआ। टीम सोर्स की गोद में मशीन गन आती हुई लेवल 3 किट के साथ, क्या टीम से इसका प्लेयर कोई इसे पिक करेगा? इधर से मशीन गन देखते हैं कि सोर्स का कोई प्लेयर पिक करेगा या फाइट कंटिन्यू रखेगा। उधर अतीफ सोर्स के आ चुके हैं फ्लैंक करके टीम डार्क के ऊपर, पीछे से टीम L4G थर्ड पार्टी कर सकती है। टीम 7 भी आई है उधर मौजूद, टीम 7 उनसे थोड़ी दूर है वैसे अभी तो, बट वहाँ से किल्स विल्स नहीं ले सकती अभी, इसलिए थर्ड पार्टी कोई नहीं कर सकती टीम 7 भी। सोर्स के पर्थ बैठे हुए TPP लिए उधर राइट सन की टीम 7 आएगी, पीछे उनके टीम 7 के साथ टीम तुर्की वैसे टीम 7 के प्लेयर्स की फाइट हो सकती है। टीम L4G के प्लेयर्स भी अभी भी जोन में कॉर्नर ऑफ द जोन खेल रहे हैं, वो टीम नंबर 19 जोन में आती हुई टीम फोनिक्स जोन में आती हुई टीम TW भी जोन में रोटेशन डाल रही है। टीम 24 धीरे धीरे करके इन द जोन आ ही जाएगी जल्दी। डार्क के भी खड़े हुए हैं TPP लिए पीछे की ओर गेट के पीछे, सो उसके पर TPP लेने की कोशिश कर रहे हैं, डार्क के भी नहीं सपोर्ट कर पाएंगे उन्हें सो उसके पर्थ को। विनोद गरिया थोड़ा फॉल बैक करते हुए डार्क के लाइट के साथ, एरर की फबिया भी पूरा रोटेशन मार चुकी हैं। डार्क के ईविल बचे हुए हैं अकेले, टीम सोस के 3 प्लेयर्स उनके सामने होंगे, डार्क के ईविल अकेले बचे हुए हैं, बाकी उनके टीममेट्स कर चुके हैं पूरा फॉल बैक। फ्लेयर ड्रॉप छोड़ती हुई टीम TW आई थिंक, ये फ्लेयर ड्रॉप आई थिंक टीम नंबर 19 के प्लेयर्स ने छोड़ा है। जी हाँ, टीम 19 स्टॉर्म ने छोड़ा है ये फ्लेयर ड्रॉप किया है इधर, सोस के पर्थ जाते हुए फ्लैंक करके डार्क के ईविल को उन्होंने स्पोर्ट आई थिंक कर रखा है टीम सोस ने। डार्क के ईविल के पास 1v3 हीट अप सिचुएशन में है, डार्क के ईविल इधर नॉकआउट होंगे, डार्क के ईविल फिनिश ऑफ भी इजली हो जाएंगे उनके टीममेट उनसे दूर होने की वजह से। डार्क के ईविल नॉक एंड फिनिश ऑफ होते हुए एरर की फबिया अब जाती है अपने टीममेट को, विनोद गरिया एग्री को जरूर पिक ऑफ किया है विनोद गरिया ने, थोड़े लेट कवर आया अपने टीममेट्स के लिए, एग्री नॉकआउट पड़े हुए हैं। क्या सोस लाइट को स्पोर्ट कर लिया है सोस के पर्थ ने, उन्हें काफी लॉज भी जोड़ा। 7 की टीम तुर्की से फाइट होते हैं, तुर्की अनस ने 7 के अफान को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया है। 7 के सेकंड प्लेयर को नॉकआउट करते हुए, 7 के कर्टोस को नॉकआउट करते हुए तुर्की अनस M4 विद 3x एक अच्छा इस्तेमाल करते हुए M4 एंड 3x का, टीम 7 के एजी अकेले बचे हुए हैं, तुर्की के फैफ और अनस दो मैन स्क्वाड बचे हुए हैं, एजी पीछे टीपी प्लेयर खड़े हुए हैं, अनस को स्पोर्ट कर लिया उन्होंने, 7 के कर्टोस को किल लेते हुए प्लेयर 47 फोनिक्स के प्लेयर, 7 के एजी पर रश होता हुआ तुर्की अनस एंड फैफ का।
या उन्होंने सेवन के आईजी को सपोर्ट नहीं किया। सेवन के आईजी के पास एक अच्छा मौका होगा, अगर एक प्लेयर को नॉक करे तो यहाँ पे वन वी टू एक अच्छी फाइट निकल सकता है सेवन का एसजी। पीछे से यहाँ पे 45 की टीम फोनेक्स की पड़ती हुई टीम तुर्की के प्लेयर्स को एक लेट किया है सेवन के एसजी ने, जो किसी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है तुर्की फैप पर उसका, बट सेवन के आईजी पीछे से स्पोर्ट होते हुए टीम फोनेक्स आई है पीछे से फिनिश अप करते हुए होला उनको एक ओपीएम प्ले दिखा रही थी फोनेक्स। फोनेक्स रश करेगी इस बार अब टीम तुर्की पे, टू वर्सेस फोर ये फाइट है, टू वर्सेस स्क्वाड टीम तुर्की का। होला काफ़ी करीब आ चुके हैं, तुर्की अनस को उन्होंने सपोर्ट कर लिया है, एक नेट कुक किया है उन्होंने, क्या तुर्की अनस को इसका कामयाब तो भुगतना पड़ेगा। थोड़ा नेट राइट की हो गया है, देखने डैमेज तो पड़ेगा थोड़ा बहुत उन्हें। जी हाँ, 10 HP कम हुआ है तुर्की अनस का जरूर इस नेट से। टीम फोनिक जाते हुए बोले जोनविक आते हुए पानी की ओर साइड, जोनविक के पास नहीं है अभी फाइट लेने का इतना अच्छा मौका। तुर्की फैब के पास, तुर्की फैब के ऊपर जाते हुए फोनिक्स के तीन प्लेयर एटम फ्यूरी देते हुए स्प्रे, तुर्की फैब को नॉकआउट करते हुए होला। अब बचे हैं तुर्की के अनस सोलो सर्वाइवल, जोनविक को जरूर नॉकआउट किया है उन्होंने, बट एटम फ्यूरी ने फिनिश अप करते हुए जोनविक भी इजी रिवाइव हो जाएंगे। एटम फ्यूरी को मिलता हुआ ये लास्ट किल, टीम तुर्की लेती हुई से विदा। सोस के एग्री फिनिश अप हो चुके हैं, पर्थ और अतीफ दोनों बचे हैं, अतीफ के पास है 4 किल, सोस के पास है 9 किल्स टोटल। टीम एवर थ्री मैन, टीम डार्क जो है 3 मैन स्क्वाड के साथ लाइव है, टीम TW के 4 मैन स्क्वाड लाइव है। टीम नंबर 19 स्टॉर्म ने हमारा मंगाया था फ्लेयर ड्रॉप, फ्लेयर ड्रॉप से विनोद करिया ने सोस के पर्थ को दे दिया है ओम का फटका। क्या टीम डार्क यहाँ पर रश करेगी टीम सोस के ऊपर, टीम सोस के पर्थ नॉकआउट है, रिवाइव हो रहे हैं इसलिए रश ऑफ नहीं आगा। TW के मुस्तफ़ी जो नॉक करते हुए टीम, उनकी टीम स्टॉर्म से फाइट होती है, बट फिनेस की शैम ने TW के हंटर को का 98 का दे दिया एक फटका। TW के मुस्तफिजर को भी, TW के मुस्तफिजर ने खुले दोनों नॉक किया था, बट टीम TW पीछे से थोड़ा सा थर्ड पार्टी होते हैं। फ्लैश के शैम को नॉकआउट करते हुए 13 दुश्मन TW के अपने प्लेयर हंटर को रिवाइव दे देंगे इसलिए थोड़ा रश। टीम स्टॉर्म के पास एक अच्छा मौका हो गया अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने का, 2 प्लेयर्स उनके नॉक पड़े हैं। स्टॉर्म की इटाची अपने टीममेट से दूर हैं, हर्षित दोनों प्लेयर्स को रिवाइव दे देंगे इसलिए। एक नेट आया है, नेट डाला था स्टॉर्म के इटाची ने, ओपी नेट गिराया TW के मुस्तफिजर को नॉकआउट करता हुआ। एक ओपी नेड, एक और ओपी नेड गिरता हुआ TW के बादशाह का, इधर स्टॉर्म का इटाची सोलो सर्वाइवल MK14 लेकर चल पड़ा है, मुस्तफिजर का किल लेना चाहता है उधर। जी हाँ, स्टॉर्म के इटाची को पीछे से भी पड़ेगी, पीछे है TW का एक प्लेयर अलाइव, TW के बादशाह टू दोनों तरफ से फंस चुका है स्टॉर्म का इटाची। टीम TW निकालती है फाइट, स्टॉर्म को फिनिश अप करते हुए 4 किल्स हुए टीम TW के पास। टीम सोस के प्लेयर्स 2 मैन स्क्वाड अलाइव है, इधर टीम एरर के 3 मैन स्क्वाड अलाइव है, कोई भी टीम एक दूसरे पर रश नहीं कर रही है। टीम फोनिक्स 4 प्लेयर अलाइव है, टीम L4G की दोनों टीम से 4-4 प्लेयर्स के साथ अलाइव है, अपनी जोन में रोटेशन डाल रही है टीम L4G की। टीम पिकाचू वाली टीम जोन में रोटेशन डाल रही है L4G की, तो सामने होगी टीम L4G की, सौरभ की टीम। स्प्रे तो पड़ना ही वाला है टीम L4G के ऊपर, राइट से पड़ेगी फोनिक्स की, लेफ्ट से पड़ेगी L4G की। L4G की पीछे की काचू को सौरभ ओपी ने नॉकआउट कराया, L4G के निंजा ने जरूर नॉकआउट कराया था होला को, जोन भी L4G के निंजा को नॉकआउट करते हुए पिकाचू को फिनिश अप करते हुए एटम फ्यूरी L4G के निंजा के ऊपर एक स्मोक डाला है, अपने प्लेयर को रिवाइव देना चाहेंगे। L4G के स्टैक कवर फायर भी देते हुए अपने टीममेट्स को, L4G के स्टैक ने बचा फिलहाल तो रिवाइव दे देंगे इजली L4G के निंजा को। 3 मैन स्क्वाड बचा हुआ है L4G का, सामने सेकंड टीम L4G के सौरभ ओपी की टीम जो है वो 4 मैन स्क्वाड के साथ लाइव है। L4G के जोन विक ने, सॉरी फोनिक्स के जोन विक ने एक स्पोर्ट कर लिया था स्किल्स को नॉकआउट करते हुए, फिनिश अप भी करते हुए जोन विक टीम भी 45 से। L4G के सेकंड टीम के ओपी को भी नॉकआउट करते हुए इधर टीम फोनिक्स के प्लेयर, टीम L4G के 2 मैन स्क्वाड बचा हुआ है, पिकाचू वाली टीम का सौरभ ओपी के 4 मैन स्क्वाड है, अभी रिवाइव हो जाएगा वो इजिली प्लेयर। टीम नंबर 24 हमारी टीम फ्लैश शैम की फाइट लेती है उधर, टीम TW का पुश आता हुआ फ्लैश शैम के ऊपर, टीम TW के पास मौका है उन्हें फिनिश अप करने का, क्योंकि अकेले थे यहाँ फ्लैश शैम, RDX है, टीम फ्लैश शैम मर्चेंट, तीनों टीम प्लेयर्स फिनिश होते हुए इधर, एक टीम मेट्स फिनिश होते हुए। टीम सोस के पास रश आया है टीम डार्क का, एरर की फबिया काफ़ी लो एच पी बची हुई है, एरर फबिया वो नो पोती हुई, अतीफ अकेले बचे हुए हैं टीम सोस के लिए, 1v2 फाइट में है अभी भी, अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे या फाइट लेंगे, फिलहाल तो पुश आ रहा है पूरा का पूरा पुश आ रहा है, आउट ऑफ द जोन में है अतीफ, इन द जोन जाना होगा उनको, 18 मीटर ही दूर है, एक अच्छे स्कैम कर सकते हैं, बट उधर बहुत ओपी फाइट चल रही है टीम L4G की। L4G के एम पर प्लेयर जोन से नोकते हुए निंजा
एल्फर्ज सिंह जो भी बोला को नॉकआउट करते हुए, टीम एटम फ्यूरी अकेले बचे हुए टीम फोनिक्स के जो हीलअप कर रहे थे, एल्फोर जी के सौरभ ओपी उन्होंने भी फिनिश ऑफ करते हुए, एल्फोर जी के सौरभ ओपी एंड्री जरो फिनिश ऑफ हुए एल्फोर जी के थ्री मैन स्क्वाड के साथ है, लाइव एल्फोर जी अब यहाँ पे सेकंड टीम एल्फोर जी की फिनिश ऑफ हो चुकी है वो, उनके एक प्लेयर बचा हुआ है अभी एल्फोर जी का शेख। टीम टी डब्ल्यू ने तीन मैन स्क्वाड उनका जा चुका था एक कंपाउंड में, एक अच्छी सोच का टपा मार रोन में, इसलिए उन पर नेट पर नेट डाले जा रहे हैं, 13 दुश्मन पीछे नॉकआउट पड़े हैं जो रिवाइव होना बहुत मुश्किल होगा। डार्क के टू मैन स्क्वाड लाइव, टीम सोस का जो सोलो प्लेयर था फिनिश ऑफ हो चुका है, टीम डार्क, टीम कटप्पा मामा, टीम एल4G की टीम टी डब्ल्यू के बादशाह ने रोन मिसले को नॉकआउट कर लिया, कटप्पा मामा ने टी डब्ल्यू के बादशाह को नॉकआउट करा, कटप्पा मामा सोलो दरवाजे अपनी टीम के लिए, बचे हुए एक टीम लेना चाहते थे टी डब्ल्यू के बादशाह का बट वो भी नहीं ले पाए, टी डब्ल्यू अब जो उनके लिए निकलेगी, टी डब्ल्यू के बादशाह अभी रिवाइव हो जाएंगे, क्या ये रिवाइव हो पाएंगे टी डब्ल्यू के बादशाह, जो उनका डैमेज काफी पड़ने वाला है। जी हाँ वो रिवाइव तो हो रहे हैं, क्या बच पाएंगे एल4G के शेख, एल4G के एम्पायर को नॉक करते हुए टीम एल4G के सौरभ ओपी शेख को नॉक करते हुए टीम एल4G थ्री मैन स्क्वाड के साथ लाइव रहेगी, थ्री टीम्स नाइन प्लेयर्स, 4v3v2 फाइट होगी यहाँ पर अगर टी डब्ल्यू के चारों बिल्डर से लाइव हैं अभी। जी हाँ रिवाइव हो चुके हैं, डार्क के टीम टी डब्ल्यू या टीम डार्क या टीम एल4G निकालेगी इधर चिकन डिनर। जी हाँ टीम एल4G की फाइट लेते हुए, एल4G के सौरभ ओपी देते हुए स्प्रे टी डब्ल्यू के बादशाह तो फिनिश ऑफ होते हुए जो उनसे जो कि नहीं बच पाए, थ्री मैन स्क्वाड टीम टी डब्ल्यू का बचा हुआ है, थ्री मैन स्क्वाड टीम एल4G का बचा हुआ है और टू मैन स्क्वाड डार्क का बचा हुआ है, 13 दुश्मन बने हुए हैं ओपन में, सांप बने हुए उनके ऊपर जाता हुआ पोस्ट, एल4G के हंटर ने विनोद गरिया को नॉकआउट कर दिया है, हंटर को किल मिलता हुआ क्योंकि सेकंड प्लेयर टी डब्ल्यू के मुस्तफिजन ने डार्क का फिनिश ऑफ कर दिया था। 3v3 फाइट टी डब्ल्यू के लिए, टी डब्ल्यू के हंटर नॉकआउट पड़े हुए हैं जो रिवाइव हो रहे हैं उधर, एल4G के प्लेयर्स क्या यहाँ पे चिकन निकाल पाएंगे, नो किल्स हैं उनके पास, 11 किल्स है टीम टी डब्ल्यू के पास ओपी के लिए वो भी इस गेम में, टू टीम्स सिक्स प्लेयर्स, देखते हैं कौन टीम्स निकालती है इधर चिकन डिनर, हमारा टीम एल4G के सिंस ओपी एम्परर सोरा ओपी या टीम टी डब्ल्यू के मुस्तफिज और हंटर या 13 दुश्मन, क्या इन दो टीम्स में से कौन सी चिकन डिनर निकाल लेगी। 3v3 फाइट है, बराबर की टक्कर, एल4G अंडर ओपन में आते हुए ऊपर की ओर आके सांप बने हैं, काफी लो एचपी छोड़ा गया उन्हें, टी डब्ल्यू के मुस्तफिज ने स्पोर्ट कर लिया एल4G के एम्परर को, एल4G के एम्परर ने टी डब्ल्यू हंटर को जरूर नॉकआउट करा था बट मुस्तफिज नॉकआउट करते हुए उधर एम्परर को, सौरभ ओपी चलाते हुए मशीन गन, 13 दुश्मन आते हुए सौरभ ओपी के ऊपर, सौरभ ओपी मशीन गन से नॉकआउट करते हुए, सिंह ओपी अकेले बचे हैं अपनी टीम के लिए, मुस्तफिज अपने सोलो सर्वाइवल रिवाइव दे रहे हैं सिंह ओपी अपने टीममेट्स को, एक अच्छी सोच होगी इधर, मुस्तफिज अकेले बचे हुए हैं अपने टीममेट्स को वो भी रिवाइव दे रहे हैं, मुस्तफिज को सपोर्ट कर लिया है सिंह ओपी ने, काफी लो एचपी छोड़ा है, जल्दी फिनिश ऑफ देखने को मिल सकते हैं, एम्परर फिनिश ऑफ करते हुए मुस्तफिज को टीम निकालती है, एल4G चिकन डिनर निकालती है, ओपी चिकन डिनर निकालती है यहाँ पे टीम एल4G हमारा 14 किल्स के साथ, 12 किल्स के साथ सॉरी, सेकंड पे आती हुई हमारी टी डब्ल्यू टीम 11 किल्स के साथ, थर्ड पे आती हुई डार्क टीम 3 किल्स के साथ, टीम एल4G सेकंड एल4G पिकाचू की टीम फोर्थ पोजीशन 8 किल्स के साथ, टीम कडप्पा मामा 0 किल फिफ्थ पोजीशन, टीम सोस आई है 7th किल 6th पोजीशन, टीम फूनेक्स हमारी 7th किल 7th पोजीशन,